है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है शनिवार, पता है, और शनिवार को तो थोड़ा बहुत लूज होता है सब लोग, इसलिए क्योंकि काम से आराम मिलता है उसको। तो अब चलते हैं, जो कल मैंने एक काम गिनाया था, कूलर। तो ये हमारे पीछे कूलर है, इसी की आज सफाई करना है। और इसमें टैंक में पेंट रखा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ पेंट भी कर दूँ तो इसका टैंक और मजबूत हो जाएगा। अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ आया था यहीं वीडियो स्टार्ट करने है। तो अब चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं। तो आज हमें नाश्ते में लिया है चाय और रही नमकीन। तो काफ़ी टाइम बाद चाय पी रहा हूँ, क्योंकि चाय तो गर्मी में पीता नहीं, लेकिन आज सब लोग बोल रहे हैं तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। नाश्ता तो हो गया है और अब चलते हैं, वही अपना कूलर निकालते हैं, उसको सफ़ा करते हैं। तो हमारे घर के बाहर का ये रहा दृश्य, देखो कितना प्यारा लगता है इस फिल्टर में तो, और जम के। तो हमारा कूलर इधर रखा हुआ है, इसमें पहले ऊपर से सामान हमको निकालना पड़ेगा। सामान क्या क्या इधर है, वाह देख लो, इतनी महंगी वॉच फास्ट ट्रैक की ऐसे पड़ी है, वाह बड़े लोग। इसको यहाँ डाल देते हैं, इसका वो नहीं मिल रहा है ना पट्टा। ये रहा पेंट, सब कुछ है बस इसमें। अरे रहा पापा जी के कुछ औजार, ये देखो इनको भी सफ़ा करेंगे। ये रहा है एक ब्रश, ब्रश को तो इधर फेंक देते हैं। ये कुछ सामान और है, इनको भी इधर ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, फिर हटाया जाएगा। और उसके बाद ये रहा एक बाउल ग्लास का, एक वॉच पड़ी है, इसको कबाड़ में बेचे कैसे, पड़ी रहने दो अभी। तो ये फाइनली कूलर के ऊपर से सामान तो हट गया है, इसको और हटा लेते हैं। ये देखो कुछ है, इसका पहले खोलते हैं ऊपर वाला ढक्कन, ढक्कन में देखते हैं क्या है। अभी भी कुछ ना कुछ सामान पड़ा है ये है इसमें, ढक्कन खुल जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओह नो पाइप वाली, इसको पहले पाइप हटाना पड़ेगा हमको, एक सेकंड रुकना। हट जा, काफ़ी एक तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, दूसरे हाथ से वीडियो बनाओ, नहीं बन पाता है, एक सेकंड रुकना। पाइप तो हट गया है, अब ये ढक्कन उठाते हैं, पहले इसको बाहर रखते हैं। ये रख दिए, इसमें देखो ये मूर्छा लगा है ना, तो इसमें थोड़ा पेंट मार देंगे। और ये रहा पाइप, इसको फंसा देते हैं, ऐसे फंस गया। और अब क्या हटाएंगे, हाँ एक इसका ये जाल टूटा हुआ है, देखो ये पड़ा है। तो पहले अब देखो एक लोग को हेल्प के लिए बुलाता हूँ, अकेले नहीं बन पाएगा। और बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत है गंदा, जैसे इधर का पानी वाला टूट गया है, इसको भी लगाना पड़ेगा, वो पड़ा है नीचे, दिख रहा है ना, ये है। बाकी मोटर अभी ठीक है, और इसको निकाल लूँ क्या, निकल आए तो नहीं, अभी फंसा है ये, नहीं आएगा, इसको बांधना पड़ेगा इतने पर। देखो ये रहा, खस इसके बदलाए दे रहा हूँ इस बार मैं, कूलर की बॉडी खुल नहीं रही, क्योंकि पता है इसमें क्या है, पता ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तक जंग लग चुका है और इसलिए नहीं खुल रही। तो अभी सोचें आज के दिन इसमें डाल देते हैं ऑयल, तो यहाँ यहाँ हमको ऑयल डालना है, आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ डालना है ऑयल हमको डालना है। जैसे ये है लॉक, इसका एक लॉक ये है, मतलब चारों कोन में डाल देंगे तो आज ये मतलब एकदम मोर्चा इसका फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद खोलने में आराम रहेगा। तो चलते हैं डालते हैं पहले इसमें, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, और इधर चलते हैं। अब अभी कहाँ है, इसमें डाल रहा हूँ, हाँ पता नहीं, इसको डालता हूँ देखता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने डाल दिया है और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कि खुलेगा भी ये, इसमें चिकना हो जाएगा ना, तो थोड़ा खोलने वोलने में आराम रहेगा। इधर भी देखो नीचे ज़्यादातर मोर्चा लगा है इसमें, मतलब जंक ज़्यादा लगा नीचे। और इधर चलते हैं देखते हैं, इधर भी डाल देते हैं, पहुंच जाए। देखो सबसे ज़्यादा जंग नीचे लगा है, ये देखो पूरा, ये इसी साल चलाना है बस, वो चलाने क्या रखा है, सोचा है थोड़ा मेंटेन कर दें इसको, और बाकी कुछ नहीं है यार इसमें एकदम। बाकी मोटर तो नई लगी है देख लो एकदम से, है ना।
तो हाँ गाइस, कूलर का काम जो था वो हो गया था। और उसके बाद पता क्या कर रहा था, थोड़ा सफाई किया घर के बाहर की, तो मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था ना, तो मोबाइल चार्ज में लगा के चला गया था। तो अभी जस्ट आया हूँ, नहा भी लिया हूँ, देख लो बड़ा प्यारा लग रहा है नहाते हुए। तो अब कपड़े जल्दी से पहन लेता हूँ क्योंकि आज फिर पेपर है, तो पेपर भी देने जाना है ना, तो उसके पहले प्रिपरेशन थोड़े से कर लेते हैं। कल किए थे, कल का पेपर मेरा तो अच्छा हुआ, बट आज का देखते हैं कैसा होता है। तो चलते हैं फिलहाल कपड़े पहन कर खाना खाने। फिलहाल रेडी हो गए हैं कोर्ट जाने के लिए, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेट हो गया हूँ, 11 बज रहे हैं, देख लो बज रहे हैं ना 11। तो आज मैंने डाल रखा है वाइट टी शर्ट और उसके साथ में ये स्मार्ट सा चेहरा जो कि मुखड़ा, इसको लेकर चलते हैं अब सीधा कोर्ट, और वहाँ से फिर वही निकलेंगे पेपर देने। तो पहले निकल लेते हैं यहाँ से सीधा कोर्ट के लिए, ठीक है? और हाँ गाइस, मज़े हैं। घर आ चुके हैं, और घर आते पता क्या हुआ, देख लो आप पीछे कौन है वहाँ, मम्मी और पापा अपना लहसुन कुछ कर रहे हैं खेत में, और मैंने तो मुंह धो लिया, बड़ा प्यारा लग रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा वाइल्ड एंगल की कमी हो रही है हमारे मोबाइल में, वाइल्ड एंगल आ जाए तो उसके बाद बढ़िया प्यारा रहेगा। और गाइस अभी व्लॉग में थोड़ा गाइस, जब पेपर दे के आया था उसके बाद पता है रूम में आया हूँ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, सो गया था। तो अभी जस्ट उठाऊँ, अभी टाइम कितना हुआ है, 8 बज रहे हैं, रिमोट में दिखा रहा है टाइमिंग, आपको नहीं समझ में आएगा, 8 बज रहे हैं। तो अभी उठा हूँ और अब जा रहा हूँ, देखता हूँ खाना क्या बना है। वैसे खाना वही हमारे प्रिय भैया जी बनाते हैं, और कोई बनाता नहीं है, मैं तो हेल्प करवाता हूँ सिर्फ बर्तन धुलने में, और भैया तो अपना अकेले बनाते रहते हैं खाना। यार अब जान जाओ यार, थक जब थक जाओ तो नींद कितनी मस्त आती है, तो उसी की वजह से मैं सो गया था। तो अब जाता हूँ उधर, देखता हूँ क्या बना है आज खाने में, बना है अरे राम राय भुजिया, और इधर रोटी बन रही है, भुजिया यार कितनी खाने में मजा आएगा। और हमारे भैया जी बना रहे हैं फिर से, मम्मी मैं दूध रोटी खाऊंगा, भुजिया नहीं खाऊंगा, आप लोग भुजिया खाओ, मैं दूध रोटी खाता हूँ। तो गाइस अब जा रहा हूँ खाना खाने, दूध रोटी और थोड़ा सा मीठा रहेगा गुड़, तो यही सब खाना है, और कुछ नहीं जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। देखो मम्मी भी आ चुकी, आजकल मम्मी खाना नहीं बना रही, भैया बना रहे हैं। देखो खाना हो गया है और आ गया अपने कोई पुरानी ड्यूटी, पता क्या इधर किचन पूरा सफ़ा करना है, इसको धोलना है, इधर बर्तन भी पड़े हैं वॉश बेसिन में, ओ सॉरी हाँ सिंक में, तो बर्तन धुलना है। तो अब जा रहे हैं बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मम्मी जी के पास। तो मम्मी जी के ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, तो अभी पहले बर्तन धुल लूँ उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से सीधा। देखो ये रहा और ये है, पहले बर्तन धुल गए और इधर आ गए, मम्मी के ग्लूकोज चढ़ रहा है ना अभी, देखो वो लगा है, तो इनको अभी सही से आराम नहीं मिला है, उधर बैठा है राहुल। और यार मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, कितना हो गया, 11 बज रहे हैं और क्या। तो अब मैं तो जा रहा हूँ सोने, अभी राहुल बैठेगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझको जगा लेगा, ठीक राहुल बताना, कोई दिक्कत हो तो जगा लेगा, ठीक। मम्मी मैं चल रहा हूँ, जो हो बताना, ठीक आप लेट रहो। आ गया अपने रूम और लगी बहुत तेज वाली नींद। तो गाइस आज का जो काम था पता है क्या है,
आज काम यही था कि कूलर को पेंट करना था, लेकिन उसमें जंग इतना ज़्यादा लगा था कि उसको खोलना कोई उचित नहीं था, हाथ में लग जाता, इसलिए मैंने उसमें ऑयल डाल कर रख दिया। तो कल सुबह इसको खोलेंगे और अभी जा रहा हूँ सोने, अभी ब्लॉग कल सुबह एंड होगा। गुड मॉर्निंग, तो यह दूसरा दिन ब्लॉग का, अभी उठे हैं, बाहर आए तो बाहर मंकी पूरा फिर से परेशान कर रहे हैं, वो देखो उधर घूम रहे हैं पेड़ में, वो देखो दिखा ना, पूरा बंदर परेशान कर रहे हैं फिर से। तो मम्मी भी आ चुके हैं, पीछे झाड़ू लगा रही हैं, वहाँ देखो है ना। तो गाइस बस ये व्लॉग यहीं तक रहेगा, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय।